तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद, नई संसद भवन हो, ऐसी हमारी मांग है। जो ताबड़तोड़ निजीकरण चल रहा है उसका सवाल है, सरकारी प्रतिष्ठान जो बेचे जा रहे हैं। हम लोगों ने तो अपील की है कि जो भी संगठन है अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेके आए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण है। जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, परिसंघ के नाम से इसको जाना जाता है, और आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। प्रथम दृष्टया नहीं लगता होगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके रिप्रिकॉशंस बहुत हैं। तेलंगाना विधानसभा ने, तेलंगाना सरकार ने 3 दिन का स्पेशल सेशन बुला करके काउंसिल और असेंबली दोनों में 13 सितंबर को प्रस्ताव पास किया है कि नई संसद भवन जो न्यू सेंट्रल विस्टा पर बन रही है, इसका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ KCR को और मल्लू रवि विक्रमार्का को, जो CLP लीडर हैं, कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार किया था, तेलंगाना असेंबली का रिकॉर्ड है, और KT रामा राव जो मिनिस्टर हैं TRS के, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, पास होकर के केंद्र सरकार के पास आया हुआ। हमने 800 MPs के से और लगभग हर पार्टी के नेतृत्व से आग्रह किया कि हमारी मांग को समर्थन करें। और नाम परिवर्तन का युग चल रहा है, नाम रखने का समय चल रहा है। औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, इलाहाबाद का, अलीगढ़ का, फैजाबाद का, मुगलसराय का, बहुत सारे नाम बदले गए और रखे भी गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद, नई संसद भवन हो, ऐसी हमारी मांग है। और KCR की सरकार ने वहाँ का जो सचिवालय बना हुआ, उस सचिवालय का नाम भी डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट रखा है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान संविधान के निर्माण में, और जो महिलाएं थी, पिछड़े थे, दलित थे, उनके लिए जो संघर्ष किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल ट्रिब्यूनरीज, हर तरह से हम देखते हैं तो उनका नाम सुटेबल है। और इसलिए देश के तमाम हजारों संस्थाएं 28 तारीख को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करने जा रही हैं। उसके बाद अगर नहीं बात मानी जाती है तो देशव्यापी आंदोलन होगा। हमारी यही मांग है। और जब तमाम सारे नामों से स्थल बदले जा रहे हैं, मॉन्यूमेंट बदले जा रहे हैं, और नए कंस्ट्रक्शंस के, नए इमारतों के नाम भी रखे जा रहे हैं, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, और मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय हो गया, तो उसी कड़ी में हमारी भी मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से संसद, नई संसद का नाम होना चाहिए। और करीब करीब कंप्लीशन पे है, मेरा ख्याल है 31 दिसंबर, और उसके बाद में इसको हम संसद में भी उठाएंगे। हम कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नहीं इसको उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें बंटवारा हो जाता है। जो देश के बुद्धिस्ट अंबेडकराइट्स हैं, रैशनलिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, महिलाएं हैं, सिविल सोसाइटी, उन सब को लेकर के हम यह कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 नवंबर को करेंगे, और विशाल रैली होगी। हमारे साथी ओम सुधा जी, डॉक्टर ओम सुधा जी की बड़ी मेहनत रही है लगातार, क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्य इतना नहीं देख पाता हूँ, और इनकी बड़ी टीम है, हमारी बड़ी टीम है। और महेश्वर राज जो तेलंगाना के हमारे परिसंघ के
प्रदेश अध्यक्ष है वो, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उसका परिणाम हमें देखने को मिला कि तेलंगाना की विधानसभा ने पास करके मोदी सरकार को आग्रह किया है कि मोदी सरकार विचार करे और नाम रखे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अभी बात कही नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे करने के साथ साथ जो एससी एसटी ओबीसी समाज के जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 1997 से संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम मुद्दे भी हमारे इस रैली में शामिल हो गए। मुख्य मुद्दा तो है ही, उसके साथ साथ जो आरक्षण का सवाल है, जो ताबड़तोड़ निजीकरण चल रहा है उसका सवाल है, सरकारी प्रतिष्ठान जो बेचे जा रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं, उसका बताते इन तमाम सवालों पर। साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 14 के बाद, पूरे देश में मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं और दलित उत्पीड़न की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, तो लगातार उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हाथरस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हो, जाना हो, परिजनों से मिलना हो, या पूरे देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, तो हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये तमाम मुद्दे उन मुद्दों के साथ साथ शामिल होंगे, और खास तौर पे ये जो कोलेजियम सिस्टम है न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए भी हमारे संगठन परिसंघ की एक लंबी लड़ाई, लंबी परंपरा रही है उसके खिलाफ संघर्ष की, तो वो मुद्दे भी शामिल रहेंगे ये जो 28 नवंबर की रैली है उसमें। अगर 28 के बाद में सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो फिर क्या कोई दूसरा विकल्प चुनेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन बीपी मौर्या जी ने किया था, उस समय लाखों लोग जेल में गए थे, उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा बनी संसद में। तो वही एक रास्ता है कि जनता के बीच जाएंगे और जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन और तमाम विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। वो ज़्यादातर मरे पड़े हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं संसद में 5 साल तक था, सत्ता पक्ष का होकर के जितना बात, जो जनून बातें होती, चाहे जीएसटी का विरोध करना हो, जुडिशियल सिस्टम हो, और भी बातें हैं, उठाया करता था, नहीं कर पाएंगे। अब मुझे मालूम है कि नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात भी मैं बता दूंगा, 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हम लोगों ने किया था, भारत बंद की अगुवाई मैंने किया था, बल्कि पासवान जी, मायावती जी ने उसका विरोध भी किया था, और उसी के ऊपर हमारा रामलाल जी से बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे उस पर काफ़ी बहस भी हुई थी। तो अंत में दोनों बातें मानी गई, भारत बंद के बाद दोनों बातें मानी गई, एक तो SC ST एक्ट का बात है, दूसरा रोस्टर सिस्टम की बात थी। तो ऐसी बात नहीं कि सरकारें नहीं मानी, लोग मानते हैं कि दो ही चीज़ मामले में मोदी ने पीछे हाथ किए हैं, एक तो लैंड एक्विजिशन में, दूसरा फार्मर वाले मामले में, लेकिन दो और बातें हैं जो चूँकि सबसे संबंधित नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कि दो और मांगों के मामले में मोदी ने सरेंडर किया है। देखिए, न मेरा है, न इनका है, न उनका है, सबका है, तो आना चाहिए सबको। खबर गया है हजारों लाखों को, आना चाहिए, और मुझे लगता है कि उस दिन रामलीला मैदान में एक अच्छी रैली हो। हम लोगों ने तो अपील की है कि जो भी संगठन है अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेके आए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बाबा साहब का मिशन महत्वपूर्ण है, सबका है, इसमें कोई नेतागिरी किसी की नहीं है। मैंने तो यह भी कहा कि भाई मैंने तो अपना नाम आगे किया भी नहीं हूँ। सब लोग आए, सबसे अपील है, आप लोगों चैनल के माध्यम से हम लोग अपील भी करते हैं कि सब लोग जुटे हैं। हमारे ज़्यादातर कर्मचारी, अधिकारी, अम्बेडकरवादी और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, 1500-2000 रुक जाए तो रुक जाए रामनिवास में अम्बेडकर, वरना सब फ्लाइट से आते हैं, पहाड़गंज में भरे रहते हैं, अपने गेस्ट हाउस में रहते, सारे एम्प्लाई जो अधिकारी होते हैं जिनके बीच में काम। देखिए, ऐसा है कि उम्मीद तो नहीं है कि बाहर से आते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास से किसान हुआ, चाहे जिसकी रैली हो, चाहे जिसकी रही वही है, अगर वो आए तो अपनी व्यवस्था पर आए। हम कोशिश करते हैं, हाथ फैलाते हैं समाज से, जो दान दक्षिणा मिले, अभी तो हम घाटे में हैं, लेकिन यह है कि हमारा कम से कम में होता है, लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर ही रहे हैं, क्योंकि इस मामले में बड़ा मुश्किल होता है। वो जो क्रीमी लेयर, हम रामलीला मैदान 97 से मैं 22 बार भर चुका हूँ, तो कई बार पैसा दे के जाते हैं, सरप्लस भी होता है। हमारा उस तरह के नहीं कि बसें दे करके, गाड़ी दे के, खाना दे कर नहीं बुलाते, ना हमारे बस का है।